Hey guys, welcome back to today's vlog. आज हम लोग ऐसी धरती पे जहाँ पे फर्स्ट टाइम गांधी जी और नेहरू जी मिले थे, ये ऐसी जगह है जहाँ पर फर्स्ट टाइम ये डिसाइड किया गया था कि जो हमारे लेबर्स हैं उनको अब्रॉड नहीं भेजा जाएगा। हम लोग हैं चारबाग रेलवे स्टेशन के पास, बहुत खूबसूरत है। आइए एक टूर दिखाता हूँ यहाँ का, इस एरिया का, फिर स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। ये रेलवे स्टेशन लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना रेलवे स्टेशन है। यहाँ का अगर आर्किटेक्चर आप देखें तो जो इंस्पिरेशन है ये तीन चीजों से ली गई है, पहला राजपूत, दूसरा अवध, तीसरा मुगल। यहाँ का जो पेंटिंग है इस पूरे चारबाग के बिल्डिंग के, अगर आप पेंटिंग देखें वाइट एंड रेड में है, ये रिप्रेजेंट करता है। आप देखो ज़्यादातर राजस्थान सब एरियाज़ में देखोगे तो इन्हीं कलर्स में पेंट किया जाता है, तो वहाँ से इंस्पिरेशन लिया गया है। अगर आप चारबाग को ध्यान से देखें तो इसका जो डिज़ाइन है ये किसी चेस बोर्ड की तरह दिखेगा। मेरे पीछे ये जो पार्क है इसे चारबाग कहा जाता है, इसी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा है चारबाग। यहाँ पे आया तो सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, एक टूर दे दूँ चारबाग का, क्योंकि लखनऊ का दिल है चारबाग। यहाँ पे आप एक स्ट्रीट से दूसरे स्ट्रीट जाने के लिए ट्रेन, बस सब कुछ अवेलेबल है, और एक जगह से दूसरे जाने के लिए ऑटोज़। यहाँ पे ऑटोज़ का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। जब हम लोग कॉलेज टाइम पर यहाँ पर आया करते थे तो ऑटो वाले जैसे उतरो आप सारे ऑटो वाले कहाँ जाना है कहाँ जाना है, हम लोग बोलते थे हम नहीं बताएंगे, ऑटो वाला भी हाँ ये भी सही है भाई। नो बुक फेयर का ये कुछ आखिरी दिन चल रहे हैं, एक दो दिन और रह गया, आज 14-15 का लास्ट डेट है, ख़त्म होने वाला है। तो आज हम लोग चेक करते हैं कि बुक सस्ते है कि नहीं। यकीन मानो बुक सस्ते बिल्कुल नहीं है मगर हाँ कुछ कुछ कर रहा है, मतलब कि पहले से, अगर पहले 150 में जो बुक मिल रही थी अब वो मे बी 120 में दे दे, है ना मेरी छोटी बहना। हाँ पहले से थोड़े बहुत कम कर रहा है, वो 50 रुपये कम कर दे रहा है, ज़्यादा उतना नहीं है। बहुत खूबसूरत किताबें मिल रही है, आइए कुछ मैं बुक्स दिखाता हूँ, ये इंग्लिश का, अभी हिंदी का इसके बाद दिखाता हूँ। ऑडी, ये बचपन की यादें पूरी ताज़ा कर दे रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत प्यारा सा कुआं, ये विंड मिल, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ना ये, सीला और लीला दो गायों की कहानी, इसके बाद वाला इसका सेकंड पार्ट बनेगा मुन्नी और सील। बच्चे के लिए नहीं है, कलर्स बुक से नहीं देखते थे इधर। लखनऊ बुक फेयर में मैं फर्स्ट डे गया था तो उस समय मेरे को बुक्स के प्राइस काफ़ी हाई लगे। अब लखनऊ बुक फेयर के एक दो दिन रह गए हैं तो अभी बुक्स के प्राइस जो थे काफ़ी लो हो चुके हैं, इवन फ्री में बुक्स बांटे जा रहे हैं ऐसा लग रहा था कई बार। तो ये वाली बुक तो बंदे ने मुझे फ्री में दी है, अभी अनबॉक्सिंग करते एक एक करके। मैंने मुराकामी की नॉर्वेजियन वुड पढ़ी, मेरी फेवरेट है आज तक की वो बुक, इसलिए मैंने एक और मुराकामी की बुक ली है, इस बार ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी ऑन दी सॉर्ड। ये बुक के बारे में रिव्यू बहुत खूबसूरत है, आप कहीं पर भी पढ़े किसी ने नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया इस बुक के बारे में, एक तरीके से मास्टरपीस कहा जा रहा है। ये स्टोरी बेसिकली एक यंग लड़के के बारे में और एक ओल्ड मैन के बारे में, ये दोनों की कहानी अलग अलग डायरेक्शन में जाती है बट कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, और कैसे एक बंदा कुछ कर रहा है तो दूसरे के लाइफ में कैसे उसमें आप बोल सकते हो इंटरफेयर हो रहा है। इसमें जो ओल्ड मैन है बचपन में वो बेहोश हो जाता है कुछ टाइम के लिए, और मगर वो पढ़ने में बहुत स्मार्ट था, ठीक है पढ़ सकता था लिख सकता था, बहुत स्मार्ट लड़का था, बट जब वो बेहोश होता है और जब होश में आता है तो वो अपने पढ़ने लिखने की शक्ति खो देता है, मतलब कि वो पढ़ नहीं पाता लिख नहीं पा रहा। तो ये ओल्ड मैन की ये प्रॉब्लम हमेशा से चली है। अब बट इसके साथ साथ जब वो होश में आया था तब उसको एक और ताकत मिली कि वो कैट से बात कर सकता है, जी हाँ वो बिल्लियों से बात कर सकता है, तो वो बिल्लियों से बात कर सकता है। तो कैसे वो कैट से बात करता है ये सब रिलेटेड कहानी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, इसको जरूर पढ़ेंगे। कवर भी देखिए, कैट बना हुआ है, यहाँ पे एक आदमी का फोटो होगा, ये एक तरीके से आप देख सकते हो ये सोमराय जैसा है, थोड़ा लुक दिया गया है, काफी इंटरेस्टिंग है। और मैंने कुछ बेबी के लिए भी बुक्स लिए है। आई एम नॉडी, नॉडी ये मेरा बचपन के दिन याद दिला दिए, ज्यादा देखता नहीं था बट उस टाइम आता था यार। तो ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है, ये देखिए हर पेज में इसमें दे रखा है, इसलिए इसको देखते ही भाई इसको तो खरीदना बनता है। कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है, एक ही स्टोरी है पूरा पूरा, बट हर पेज में बच्चे को एक समझाने के लिए फिगर भी दे रखा है इसमें। उसके बाद मैंने लिया कृष्ण की कहानियां, कृष्ण जी की कहानियां सुनाऊंगा उसको, वनवास बनाऊंगा कृष्ण जी की तरह नटखट रहे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी है, आपको हर एक एक पेज पे अलग अलग स्टोरीज देखने के लिए मिलेगा। मेरी फेवरेट, ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा गोल्डन प्ले बटन। जल्दी जल्दी ज्यादा लोग सब्सक्राइब करो, अपने घर वाले परिवार वालों सबको सब्सक्राइब करने के लिए कहो कि मेरे को जल्दी से जल्दी इसके बदले में सही में गोल्डन प्ले बटन मिले। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें जो भी घर में जो भी चीजें हैं उनके नाम बच्चों को सिखाने के लिए ये है, ठीक है, जैसे काइट हो गया आपका, डॉल हो गया, बॉल हो गया, ये सब चीजें इसमें दे रखा है। डस्टबिन, बकेट, टूल बॉक्स, रूफ, पाइप, काफी इंटरेस्टिंग है ये बुक, मेरे को सच में आपको भी अच्छी लगी होगी। और पेज की क्वालिटी देखिए, बच्चा खेले कूदे हटेगा नहीं जल्दी, मतलब हर जगह के लिए है कि जहां जहां ये ऐसे कमरे में क्या क्या चीजें मिलेगी, बेडरूम में आपके क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, सॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, ये सब चीजें दे रखा है। अरे भाई पलट जा, बस कितने पेजेस है इसमें, गिनती के इसमें 6 पेजेस है कवर को जोड़ के, और इसका प्राइस 350। मगर इंटरेस्टिंग है, पैसा वसूल है एक तरीके से, मैं बोल सकता हूँ जल्दी नहीं फटने वाली। बैड टाइम बनी स्टोरी, इसमें भी बनीस की स्टोरीज है हर पेज में आपको देखने के लिए मिलेगा, और कुछ नया कोई सीख देने की कोशिश करता है इसमें, काफी इंटरेस्टिंग है। पिपलिंग्स कम एंड प्ले, ये भी एक बोलते हैं ना थोड़ी छोटी छोटी कहानी है ज्यादा कोई सेंस नहीं है, जैसे मू बा ला 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 ये आपने सुना होगा काफी जगह। योगी बच्चों की बुक्स के बारे में अब आते हैं अपने मेन बुक्स पे जिसको फोकस देके खरीदा गया है, ये वो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ये बुक बेसिकली बात करती है आपकी कि जो भी आपके अंदर फियर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है, तो निकाल दो, किसी चीज़ से डरो मत, बोलना इजी है मगर करना मुश्किल। तो राइटर इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज की हेल्प से आपको बताता है कि कैसे अपनी वरीज को कम कर सकते हैं, कैसे लोगों ने अपनी वरीज को कम किया है। साथ ही साथ आप अगर परेशान है, कोई चीज़ आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो अपना माइंड डाइवर्ट करें, कैसे डाइवर्ट करें, वर्क ऑफिस में जाओ, काम पे ध्यान दो, डांस करो, गाना गाओ, वर्कआउट करो, जिम जाओ, तो ऐसे ऐसे कई चीज़ें बारे में राइटर बोलते हैं कि अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट किया जाए। कम सोचोगे किसी चीज़ के बारे में तो कम परेशान होगे, सिंपल सफटा। इसको जल्दी से मैं रिव्यू जरूर करूँगा, ये तो मैं ज़रूर पढ़ने वाला हूँ। और जिसका आप सभी को इंतज़ार था, अ प्रॉमिस लैंड बाय ब्रैक ओबामा, जो कि मैंने अभी तक इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की है कि आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा मैं, ठीक है। कैमरा सेटअप कर लेता हूँ और आप सभी के सामने इस बुक की अनबॉक्सिंग होगी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये बुक बेसिकली एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें ब्रैक ओबामा, पहले तो ब्रैक ओबामा 44th अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, काफ़ी न्यूज़ में क्यों रहे, ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी बात है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि जब ये घोषणा करने वाले थे कि मैं हाँ मैं प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़ा होने वाला हूँ, तो उससे कुछ दिन पहले इनकी वाइफ पूछती है कि तुम ही क्यों,
तुम क्यों जा रहे हो प्रेसिडेंट बनने? तो इन्होंने जवाब दिया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो अमेरिका को लोग अलग नज़रिए से देखेंगे। और ये लाइन काफ़ी अच्छी है। और ऐसा हुआ भी, जब ये प्रेसिडेंट बने लोगों ने अमेरिका को एक अलग नज़रिए से देखा, क्योंकि उससे पहले सब लोग अमेरिका को देखते थे कि हाँ जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ कैसा ट्रीट करता है। तो सपोज़ करो उस देश का जो प्रेसिडेंट है वही ब्लैक निकले, तो कैसे इन्होंने लोगों का माइंडसेट चेंज किया, उसके बारे में ये बुक है। इनके कैंपेन्स के बारे में स्टोरीज है, कैसे जो इनके टाइम में जो भी ऑपरेशंस हुए थे, चाहे ओसामा बिन लादेन के लेके हो, और उस वक्त 50-50 चांसेस थे, मिशन कंप्लीट भी हो सकता था, नहीं भी कंप्लीट हो सकता था, कैसे इन्होंने टफ कॉल्स लिए, उन सब के बारे में ये बुक है। इस बुक का रिव्यू सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे देखने के लिए मिलेगा आपको, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।